हाँ वरना आज के इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वीडियो है ये 2022 का यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है बी ए सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी ठीक है तो आपको पता है आपके पास जो है सेक्शन ए e और सेक्शन बी आता है मैक्सिमम नंबर कितना होता है पैंतालीस नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होता है और टाइम कितना होता है टाइम अलॉट थ्री आवर्स तीन घंटे का आपका पेपर है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस सेमेस्टर में भी पढ़ने चाहिए ताकि आप इजिली एग्ज़ाम को कर पाए तो आपने सबसे पहले ए सेक्शन देखा इस सेक्शन में क्या है एक्सप्लन एनी वन ऑफ द फॉलिंग स्टेंजा विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट आपको इसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट बताना है स्टेंजा को एक्सप्लेन करना है इन दोनों में से या तो इसे एक्सप्लेन करो या तो इस स्टेंजा को एक्सप्लें करो ठीक है अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन आते हैं आपके पास तो टोटल नाइन क्वेश्चन हैं आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सिक्सटी टू एट्टी वर्ड्स एज आपके पास नाइन क्वेश्चन है और आपको कितने आंसर करने हैं सिर्फ फाइव आंसर करने हैं ठीक है ठीके? तो आप क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हैं पहला है ए क्वेश्चन है आपका हाउ डज एनी कोरिलेट द सफ़रिंग ऑफ द जियस विद हर पर्सनल एक्सपीरियंसिस सेकेंड क्वेश्चन आया है वट आर द प्रामिस वो हम कहते प्रोमिस को वट आर द वोट टू बी टेकन बाय द सिस्टर्स ऑफ द मिशनरीज ऑफ द चैरिटी कि क्या प्रामिस की लिए किया था मिशनरी ऑफ चैरिटी ने ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वट नॉलेज डिड स्वामी हैव अबाउट द कारोल्स रॉयस एंड डस इट रिविल्स अबाउट हिम तो जो स्वामी था उसके पास कारोल्स के बारे में क्या जानकारी थी क्या नॉलेज था और इसने उसके बारे में क्या बताया वो आपको एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट uh, हम देखते हैं व्हाट डज द स्पीकर प्रेफर टू बैट अगेंस्ट पेस रादर दैन स्पिन अगला है व्हाई डज द राइटर थिंक दैट स्पोर्ट्स प्लेड एट इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल कैन ओनली बी अ मिमिक वारफेयर ठीक है ये भी हमने देखा है क्वेश्चन आपने अगर मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस नहीं देखी आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने कवर करे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द राइटर इलिस्ट्रेट थ्रो द एग्जाम्पल ऑफ अ फोटोकॉपियर कंपनी उसके बाद है वट अकॉर्डिंग टू राय आर द कॉन्सटेंट्स अ डायरेक्टर इज लाइकली टू इनकाउंटर इज मेकिंग फिल्म्स इन अ कंट्री लाइक आर्ट्स अगला है वट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट चिल्ड्रन डरेक्टर इज लाइक लिट सॉरी वट आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट चिल्ड्रन वुड इफ दे डिड नाट वॉच टेलीविजन ऑफ द टाइम ठीक है नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आपके पास जो है आंसर यानी टू द फॉलिइंग क्वेश्चन इन अबाउट वन फिफ्टी टू वन एट्टी वर्ड्स में आपको सिर्फ दो ही आंसर करने हैं पहला है मतलब तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं मतलब चार दिए हैं आपको दो करना है पहला है एनी डायरी सेल्फ हर सर्वाइव्स थ्रो द टॉर्चर्स एक्सपीरियंस इन हाइडिंग उसको इलाबोरेट करना है अगला है वाई वर द क्रिटिक्स अगेंस्ट मदर ट्रेसा एंड हाउ डिड शी ओवरकम द हॉस्टेलिटी अगला है राइटिंग अबाउट क्रिकेट ओवरवेल से इट इज़ अ लेजरली गेम डू यू अग्री लास्ट है वन वन द बेिस ऑफ द पॉम टेलीविजन एक्सप्लेन देंग रीडिंग इज टू माइंड वट एक्सरसाइज इज टू वट एक्सरसाइज इज टू दॉडी उसके बाद हमारा सेक्शन बी आ जाता है आप लोगों को पता है सेक्शन बी में हमारा क्या आता है पहला आता है प्रीसेस स्टार्टिंग आपको ये स्टोरी दी है बड़ी सी आपको इसको समरी बनाना है प्लस आपको इसका हैडिंग भी देना होता है उसके बाद आपको पता है और फेरासिस आते हैं और आपके पास टोटल पंद्रह आएंगे आपको सिर्फ दस करने हैं यहाँ लिखा है यूज़ एनी टेन ईडियम्स एंड फिर इन सेंटेंस ऑफ ओन आपके पास तो ये दे रखे हैं ईडियम्स या फिर सेस इन के आपको सेंटेंस बनाने हैं ठीक है यहाँ पे भी दिया हुआ है ये सारा नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्सटन फॉर एनी टेन ऑफ द फॉलोइंग आपके पास पंद्रह दिया है सब्सटन आपको दस इसमें से करना है पाँच नंबर का होगा आपको बताना है ऑब्जेक्ट हैविंग लाइफ जिस जो ऑब्जेक्ट की लाइफ होती है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग को क्या बोलते हैं अगर आपने मेरी सब्सट्रेशन की वीडियोस देखनी है मैंने सारे करा रखे हैं आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो में जाके जरूर देखिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें वीडियो को कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी आप स्नैप लेना चाहते हैं तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं मैं कुछ सेकंड के लिए पोस्ट कर देती हूँ यह है सेक्शन बी उसके बाद है हमारा ये सेक्शन सेक्शन बी का ये ग्रामर पार्ट है Thank you so much, guys.